दोस्तों आज हम आए हैं केरला मिलने एक ऐसे इंसान से जिनको पत्तों से है बेहद प्यार। वो इन्हें बुक्स में, बेड के नीचे और भी कई जगह छुपा के रखते हैं। पर क्यों भाई, ऐसा क्या है इन पत्तों में? OMG, पत्ते पे पोर्ट्रेट। वाओ, क्या किलर कलाकारी है बॉस। मिलिए मनु से, 23 साल के टैलेंटेड लीफ आर्टिस्ट, जिनसे मिलने हम पहुंचे हैं केरला। मनु किसी कैनवस पे नहीं, पत्तों पे पोर्ट्रेट्स बनाते हैं। अरे भाई, पर ये पत्तों पे आर्ट वाला विचित्र आइडिया आपको आया कहाँ से? बचपन से मुझे ड्राइंग करना बहुत पसंद था और मैं उसी में कुछ अलग करना चाहता था, इसलिए मैं अलग अलग साधनों के जरिए ड्राइंग करने लगा, जैसे कि कॉफी पाउडर, सैंड आर्ट, राइस पाउडर, और इसी तरह मैंने लीव्स पे ड्रॉ करके लीफ आर्ट बनाना शुरू किया। वैसे तो लीफ आर्ट का ओरिजिन बहुत पुराना है, पर ये फेमस हुआ 1994 में, जब चाइना के हुआंग टाई शैंग ने लीफ कार्विंग आर्ट के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। चाइना में इस आर्ट के लिए चिनार के पेड़ों के पत्तों का इस्तेमाल होता है और ये पेड़ इंडिया के ठंडे प्रदेशों में भी पाए जाते हैं। पर मनु अपनी ये लीफ आर्ट केरला के लोकल ट्रीज के पत्तों से बनाते हैं, जैसे जैक फ्रूट, बैनियन और कोकोनट। पहले मैं एक हरी पत्ती लेता हूँ, फिर उस लीफ को बुक के अंदर मैट्रेस के नीचे रखता हूँ। पत्ती स्ट्रेट हो जाती है तो उस पर स्केच करना शुरू करता हूँ। मैं लीफ पर दो तरह के आर्ट बनाता हूँ, एक है कार्विंग और दूसरा है डॉटिंग। अब चाहे कार्विंग हो या डॉटिंग, सही पत्ते का चुनाव बहुत जरूरी है। कार्विंग के लिए ज्यादा वेन्स वाले पत्ते सही हैं, क्योंकि वेन्स कार्व्ड हुए डिफरेंट पार्ट्स को कनेक्ट करने में मदद करती हैं। कार्विंग करने के लिए पहले मनु पत्ते पे इंक से पोर्ट्रेट बनाते हैं और फिर कार्विंग ब्लेड से पत्तों के एक्स्ट्रा हिस्सों को निकाल देते हैं, ताकि पोर्ट्रेट निखर के आ सके। और डॉटेड आर्ट के लिए टीक के पत्ते परफेक्ट हैं, क्योंकि वो साइज में बड़े होते हैं और पतले होते हैं। इस आर्ट के लिए मनु पहले इंक से पोर्ट्रेट बनाते हैं और फिर पेन नाइफ की टिप से डॉटिंग करके पत्तों के एक्स्ट्रा हिस्सों को निकाल देते हैं। लेकिन ऐसा करते समय दो डॉट्स के बीच की दूरी का ख्याल रखना पड़ता है, इसलिए एक डॉटेड आर्ट बनाने के लिए मनु को लग जाते हैं 3 से 5 घंटे। OMG! बेसिकली पेशेंस, एक्सपीरियंस और पूरा कॉन्सेंट्रेशन चाहिए इस आर्ट के लिए। और आज उसी कंसंट्रेशन के साथ मनु बनाने वाले हैं एक बहुत बड़ी लीफ आर्ट, वो भी नारियल के पत्ते पे। पर ये आसान नहीं है, क्योंकि एक नारियल के पत्ते पे होते हैं कई सारे छोटे छोटे पत्ते। पर हमारे आर्टिस्ट ने ढूंढ निकाला है इसका उपाय। ये नारियल के छोटे पत्तों को टेप से जोड़ते हैं, ताकि उन्हें एक बेस मिले पोर्ट्रेट ड्रॉ करने के लिए। फिर पोर्ट्रेट की आउटलाइन के हिसाब से ये पत्तों की कटिंग करते हैं और फिर पोर्ट्रेट्स को फुल एंड फाइनल डिजाइन देने के लिए एक आखिरी कार्विंग। और ये लीजिए, लीफ आर्ट तैयार है ना OMG? मनु ने 2020 में सोशल मीडिया पे लीफ आर्टिस्ट की एक कम्युनिटी बनाई और धीरे धीरे उसमें कई मेंबर्स जुड़ते गए। इन्होंने आपस में ज्ञान तो बांटा है, पर जीते कई सारे अवार्ड्स भी, और खुद मनु ने बनाए 3 रिकॉर्ड्स। OMG! वाह मनु, आपकी आर्ट तो वाकई OMG है। मनु ने एक लेस पॉपुलर आर्ट फॉर्म को पूरी शिद्दत से फॉलो किया और दिखा दिया कि रियल टैलेंट किसी कैनवस का मोहताज नहीं है। मनु KM की वन ऑफ अ काइंड आर्ट, इनका टैलेंट और इनकी कमिटमेंट है टोटली OMG।